हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट एमजे आपका स्वागत कर रहा है। आज सब लोग को मजा आया होगा। मार्केट में जिसने सेल किया उसकी बहुत मजा आया होगा, जिसने पुट लिया होगा उसको मजा आया होगा, और जिसने हमारे लेवल पे वर्क किया होगा उसको मजा आया होगा। आज हम आपको पहले रिव्यू बताते हमने क्या दिया था और क्या हुआ है। आप देखिए मैंने कल के वीडियो में क्या बोला था, और आपने किया भी होगा तो वर्क तो आपको अच्छा पता चला होगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, मैंने भारती बोला था आपको बाय करने को, मगर भारती अपने लेवल पे नहीं आया था। कोई भी देख लेना, चार्ट चार्ट के ऊपर ही पता चलेगा आपको ये सब चीज़। मैंने बोला है 9:20-9:25 के बाद ही मार्केट में घुसना है, और ये अपने लेवल पे 831 का लेवल दिया था, वो आया नहीं था। सेकंड कॉल दिया था विप्रो, वीडियो थोड़ा देखोगे तो ही आपको पता चलेगा। ये विप्रो, विप्रो क्या दिया था आपको देख लीजिए आप। मैंने बोला था 91 के ऊपर, 90 के पास, 390 में आपको बाय करना है, और मैंने आपको पहले भी ये बताया मार्केट में 1% मिले तो बहुत हो गया, और 393 तक भी गया है, और हो सके तो किसी को लॉस नहीं हुआ है। सोचिए मार्केट इतना 700 पॉइंट जितना गिर गया आज, तो भी अपना अपना स्टॉक जो दिया था विप्रो, अगर किसी ने बाय भी किया तो उसको लॉस नहीं हुआ। इससे अच्छा लेवल आपको कौन देने वाला है। उसके बाद मैंने आपको बताया था वोल्टास बाय करना है। वोल्टास आप देखिए, मैंने मॉर्निंग में बोला था 827 के अबव बाय करना है। किसी को ग्राफ देखना है तो मैं ग्राफ दिखा देता हूँ आपको, देखिए ग्राफ भी। किसी को ऐसा लगता है ये खाली ऐसे बोल रहा है, इससे अच्छा आप ग्राफ देखो, आपको ही पता चलेगा। मैंने मॉर्निंग में बोला था आपको ये बाय करना है। आप देखिए सुबह 827 के ऊपर ही खुला, और ये ऊपर गया, ऊपर गया 838 तक। अपना टारगेट देखिए 835 का था फर्स्ट टारगेट, यानी उसके ऊपर भी 3 रुपया गया है, और फिर वहाँ से गिरा है। जो भी स्टॉक अपना रहता है पूरे लेवल से वर्क करते हैं हम लोग, इसके लिए मज़ा आता है मार्केट में वर्क करना। अभी हम आगे बढ़ते हैं। टेक महिंद्रा मैंने आपको बोला था, चेक कीजिए लेवल तो ही आपको पता चलेगा। टेक महिंद्रा मैंने आपको बोला था 1015 के ऊपर लेना है, और सुबह खुला ही ऊपर है, 1031 तक गया है, ये देखिए। और उसके बाद बोला था टाटा मोटर, ये भी मॉर्निंग में मिल रहा था, प्रॉफिट सबको इसमें भी मिला है। टाटा मोटर 411 के ऊपर बोला था मैंने, और ये देखे 414 तक गया है। अगर नहीं भी गया है तो मैंने आपको एसएल भी बहुत छोटा दिया था, 407 का दिया था। फिर ये गुजरात गैस, ये भी मेरा चला है आज, और एक आगे जैकपॉट दिखा रहा हूँ आपको कौन सा अच्छा चला है। गुजरात गैस मैंने आपको बताया था कि 525 के ऊपर लेना है। हम इसका चार्ट देख लेते हैं, अपने को मिला है कि नहीं है मॉर्निंग में, थोड़ा चार्ट देखते हैं। ये देखिए सुबह मॉर्निंग में वो ऊपर खुला और टारगेट आ गया था। कितनी बार नहीं भी मिलता है, ये नहीं मिला है किसी को, ये गिनो आप देखो। हाँ सुबह मिला ये तो, रुको 1 बजे का चार्ट दिख रहा है, रुको। मुझे इसके अंदर को चेंज करना पड़ेगा, मोर 3 मिनट का रखता हूँ मैं। सुबह 3 मिनट के चार्ट में देखिए, ये ऊपर ही खुला और ओपन ही 526 को हुआ है। अपना था कि 525 के ऊपर लेना है। ये 1 मिनट, ये सेल कॉल था गुजरात गैस, ये गुजरात गैस सेल कॉल था, 525 के नीचे बेचना है। ये 525 कब टूटा है अपन देखते हैं। ये देखो 27, हाँ इधर ये आया, 525 आ गया, 525 के नीचे बेचने का था। ये रुकिए इधर, हाँ पी यस, ये कैंडल पे मिला है, यानी 10:15 के आसपास मिला है सबको सेल करने के लिए।
उसके बाद नीचे आया, अपना टारगेट 520 का था, उसके बाद भी ऊपर गया, मगर अपना एसएल तो हिट नहीं होने वाला था, अपना परफेक्ट लेवल दिया था। और वहाँ देखिए इधर सेकंड टाइम 1:15 तक भी वो भाव में मिल रहा था, और वहाँ से गिरा है, अपना 531 का एसएल था। किसी को नई वीडियो देखा है तो देख लेना, वो टारगेट दिया था मैंने 520 516, देखिए 520 भी आ गया 516 भी आ गया। ये माउस है ना उधर देखिए भाव आ रहे हैं, उसके नीचे 508 तक का टारगेट था, मुझे भी पता नहीं आया कि नहीं क्योंकि मैं दूसरे स्क्रिप्ट में आज वर्क कर रहा था ज़्यादातर। 511 तक, 525 से 511, चलो अपन मानते चलो 515 ही किया अपन ने, 10 रुपया प्रॉफिट। अभी 10 रुपया प्रॉफिट आपने ये स्टॉक में किया है, अगर आपने 300-500 क्वांटिटी लिया होगा तो 3,000-5,000 रुपया आप कमा सकते हो। इसके लिए लेवल मैं आपको बता रहा हूँ, फॉलो कीजिए, मज़ा आएगा आपको। गुजरात गैस सेल खोल दिया था, उसके बाद अंबुजा, ये तो मेरा आज का फेवरेट है, मैंने इसमें ही वर्क किया है। अंबुजा मैंने आपको क्या बताया था, सेल कॉल 558 के नीचे सेल कॉल आया था। हम इसका भी चार्ट देख लेते, क्या रहता है चार्ट देखोगे तो ये आपको थोड़ा पता चलेगा राइट क्या है क्या नहीं। देखिए अंबुजा, ये मैंने आपको कितना बताया था भाव, 563 के नीचे आपको 558 के नीचे 558, इधर भी नहीं हुआ, इधर भी नहीं, नहीं नहीं 558 पूरा जाना चाहिए, 5 पैसा 10 पैसा भी ऊपर नहीं, इधर पूरा कटना चाहिए। ये देखो इधर 10:35 को मैंने बताया था आपको, ये उधर हिट हुआ अपना लेवल, 558 ब्रेक हुआ, और वहाँ से देखिए कहाँ गया है, आप सोचते रह जाओगे। अपना टारगेट था 554-550, आ गया 550, देखिए लो कितना दिखा रहा है। उसके बाद मैंने 544 का टारगेट दिया था, आ गया 544-44 इधर आ गया, हाँ ये आ गया 544, देखिए ये आ गया इधर। ये अपना लेवल का मजा है, जो लेवल से आप वर्क करोगे तो आपको भी अच्छा प्रॉफिट होगा। इसके लिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आप लेवल से काम कीजिए। और मैंने बैंक निफ्टी सेल कॉल दिया था, आपको पता होगा, तो 43,300 के नीचे बेचने को बोला था बैंक निफ्टी को। और अभी तो मुझे भाव बताने की ज़रूरत ही नहीं है सबको, क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। अपन बैंक निफ्टी भी देखना है चार्ट, चलो बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं। कह रहेगा आपको थोड़ा आप स्टडी करो, इसके लिए मैं ये बता रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं लगे कि ये गलत हो रहा है ये हो रहा है, थोड़ा वीडियो इसके लिए देखने को बार बार बोलता हूँ, नोटपैड लेने के लिए इसके लिए बोल रहा हूँ कि आपको ही पता चले। मैंने आपको बोला था 43,300 के नीचे बेचना है, 300 कहाँ टूटा, इधर भी नहीं टूटा है, हाँ ये इधर ये कैंडल पे 10:23:24 की, ये देखिए उधर से गिरा, और मैंने एसएल आपको दिया था 43,420 आया कि नहीं मुझे भी पता नहीं है, नहीं आया, देखो 392 तक गया है, और फिर तो कहाँ गया वो सब सबको पता है। इसके लिए मैं हर टाइम लेवल से बोल रहा हूँ कि लेवल से वर्क कीजिए। मैंने निफ्टी भी बोला था कि मॉर्निंग में 320 के पास लेना है, यानी आज ऊपर खुला, किसी ने ऊपर ले लिया तो फंस गया हो, मेरे लेवल्स पे आना चाहिए उसके बाद दो। और मैंने 40 पॉइंट का एसएल भी दिया था, जिसने रखा होगा उसको मिला भी होगा और लॉस भी किया होगा, तो कम लॉस हुआ, मगर जिसने सुबह सुबह ले लिया, यानी आप मार्केट में वर्क कर रहे हो तो आप सबको बता रहा हूँ कि मार्केट में हो सके तो थोड़ा पेशेंस रखो, एक दिन के बड़े फॉल में मार्केट से दूर मत हो जाओ, किसी के बात पे मत आओ, और थोड़ा अपना भी माइंड लगाओ। आप वीडियो देखो, उसके अंदर लेवल जो आएगा वो लिखो, उसमें से जो टिप में करना है आपको, मैं नहीं बोल रहा सब में कीजिए, दो चार जो भी आपको करना है, मगर एक में मत चिपक जाना, दो तीन स्क्रिप्ट में करना, चार स्क्रिप्ट में करना। मेरे कितने फ्रेंड को देता हूँ मैं, सब ग्रुप मेंबर को देता हूँ, मेरे ग्रुप मेंबर को भी देता हूँ, तो उसमें वो लोग सारी स्क्रिप्ट के लेवल लिख लेते हैं, और जिसमें ट्रेड मिलता है कर लेते हैं, एलर्ट डाल देते हैं, हर सॉफ्टवेयर में एलर्ट आता है, अगर आप पीसी पे बैठते हो मोबाइल में भी एलर्ट आता है, एलर्ट डाल दो जो लेवल बताए वो लेवल का, वो लेवल आए ट्रेड मारो बस, और क्या चाहिए। आई होप कि आपको सबको ये पसंद आया होगा,
आज मैं 7 टिप नहीं दूंगा। अभी किसी को लगेगा क्यों आज ऐसा कर रहे हो, मैं आज 7 टिप नहीं दूंगा, मैं कल लाइव ग्रुप में मैसेज करूंगा। किसी को, सब लोग जो भी ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो, मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट में मेरा ग्रुप लिंक दे दूंगा और उसके अंदर मैं आपको मैसेज भेजूंगा। एक खाली निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल में दे देता हूँ आपको कि कल क्या करना है। कल देखो मॉर्निंग में 120 के ऊपर ये जाएगा। हाँ 120, 120 नहीं, 18 220 के ऊपर आपको मिले तो बाय कर लेना, और 18 160 का एसएल रखना है, और उसके बाद 260 300 और 350 तक का भी टारगेट है मेरा। आप ये कर सकते हो, लेवल याद रखना, मैंने कौनसल बताया आपको। दूसरा बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही है, बैंक निफ्टी आपको 43 750 के ऊपर बाय करना है, 42 750, 42750 के ऊपर बाय कीजिए। एसएल आपको 42 600 का रखना है, और टारगेट आपको इसके अंदर 42 900, 43 हजार, 43 300 तक का टारगेट आप रख सकते हो। और हो सके तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल को भी भेजिए। आपको कल लाइव टिप दूंगा, इसके लिए मैं आज वीडियो छोटा बना रहा हूँ, और आप भी कल मॉर्निंग में मेरे ग्रुप में एक्टिव रहना। मैं आपको मैसेज करूंगा जो भी मुझे लगेगा मार्केट ओपन होने के पहले। आज हो सके तो आज रात को भी कुछ मुझे पता चला तो, क्योंकि आज मार्केट इतना बड़ा फॉल हुआ है, मैं भी कोई परफेक्ट लेवल आपको नहीं दे पाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा गैप अप हुआ है। इसके लिए आई होप कि आपने ये सब समझ रहे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।